सर आपके स्टॉक्स की कुछ अपनी लिस्ट है या कोई अपडेट भी है पिछले जो आपने सर स्टॉक्स अपडेट लिए? तो फिलहाल मैंने देखा नहीं है, बट कुछ फ्रेश पोजीशन है करंट मार्केट प्राइस पर बाय करके अभी हम जा सकते हैं। ऐसे दो तीन तीन स्टॉक्स है मेरे पास अभी। लेकिन अपडेट जी में सर लास्ट टाइम मैंने आईटीसी दिया था। आईटीसी जो हमने दिया था वो करीब करीब दिया था 240 के लेवल पे, और आईटीसी अभी भी 253 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मतलब अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हमें बन रहा है, तो अभी भी इस पोजिशन को मैंने होल्ड रखा है। एक और मेरा अगला जो टारगेट रहेगा आईटीसी में, वो अभी टारगेट अभी है 260 का और 270 का। तो इस पोजिशन के लिए मैंने आईटीसी को अभी भी होल्ड रखा है। ठीक है, होल्ड रखा है सर। क्या नई पोजीशन भी बना सकते हैं क्या? बस सर बस नहीं, क्योंकि 240 पर ही उसकी नई पोजीशन बनाने का एक लेवल था, अभी 253 चालू है। तो जैसे ही वो फिर से अगर 240 आता है तो फिर हम देखेंगे, बट फिलहाल में कोई नई पोजीशन बनाने के लिए ऐसा कोई खास मौका यहाँ पे ठीक है। नहीं बहुत बन रहा स्टीप राइज है, बहुत तेजी के साथ में, और बहुत सीधा ऊपर गया है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब शायद उतना फेवरेबल नहीं बचा है फिलहाल। तो अगर निचले लेवल्स पर फिर से मिलता है, जी कह रहे हैं कि 240 के आसपास वापस से अगर मिलता है तो नई एंट्री बना लें, लेकिन फिलहाल नई एंट्री तो नहीं, लेकिन अगर है एग्जिस्टिंग एंट्री जो कि पहले से विजीत जी ने खरीदवाया था, अगर आपने खरीद के रखा है तो बने रहें, होल्ड करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है सर, नए स्टॉक्स क्या ऐड कर रहे हैं? सर। नए स्टॉक्स में यहाँ पे सबसे पहला पहला स्टॉक रहेगा जो बीएसई में है, रामा फॉस्फेट्स। अगर मैं रामा फॉस्फेट्स की यहाँ पे बात करूं तो उसने वन डे टाइम फ्रेम पर एक अच्छा खासा बड़ा वाला कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दिया था, और उसका जो ब्रेकआउट का लेवल था वो था करीब करीब 435 का, और स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 438 के लेवल पे। तो हमें इसे करंट मार्केट प्राइस पर बाय करना है, 438 439 के लेवल पर बाय करना है। हमें 425 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना है, जो करीब करीब यहाँ से 11 से 12 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। हम इसमें पहला टारगेट रखेंगे 460 रुपए का, और दूसरा टारगेट रखेंगे इसमें 480 का। मुझे चार्ट पर देखने के बाद ऐसे लगता है कि ये स्टॉक आराम से हमें 460 और 480 के टारगेट एक या दो दिन में दिखा सकते हैं। सो 12 रुपए का यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, और ऊपर में एक 40 से 50 रुपए तक की टारगेट है। ठीक है, तो ये रहा रामा फॉस्फेट, इंटरेस्टिंग स्टॉक, बीएसई में लिस्टेड, और उसके अंदर में क्या स्ट्रेटजी है वो अभिजीत जी ने बता दिया। ठीक है सर, और भी लिस्ट में कुछ और स्टॉक्स हैं आपके? सर मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा यहाँ पे टाटा पावर। अगर मैं टाटा पावर के चार्ट को देखूँ तो इंट्राडे टाइम फ्रेम में उसने अच्छा खासा ब्रेकआउट थोड़ी देर पहले ही दिया था। इसका अभी करंट मार्केट प्राइस चलो 236, अगर नीचे में हमें 235 234 के करीब मिलता है तभी भी हमें इसे बाय करना है। सो 234 से 235 और 236 तक अगर मिलता है तो इसको बाय करना है। इसमें हम एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 232 का, और इसमें हम ऊपर में टारगेट रखेंगे 240 से 245 तक के। जी ठीक है, तो ये टाटा पावर में स्ट्रेटजी, और सर ये नजरिया कितने समय का है? सर ये आज के दिन या कल तक आ सकता है टारगेट। थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम है तो शायद आज ही आ जाएगा। 240 का जो टारगेट है वो 4 रुपए का आज ही आ जाएगा। अगर हम 45 की बात करते तो फिर कल तक मिलने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। ठीक है, तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म इंट्राडे, इससे थोड़ी सी ज्यादा कह लीजिए, 1 से 2 दिन 3 दिन की स्ट्रेटजी के हिसाब से। सर दोनों स्टॉक्स में यही है, यस सर रामा फॉस्फेट में भी ऐसा ही है, 1 से 2 दिन, मतलब इसी हफ्ते की हम बात करें केवल, कि ये वीकली से पहले। ठीक हाँ सर है, और सर टाटा पावर और रामा फॉस्फेट, और कोई स्टॉक है क्या सर? सर मेरा तीसरा स्टॉक है वोल्टास। अभी गर्मियों का सीजन भी पास में ही आ रहा है, तो वोल्टास के शेयर में अच्छी खासी रैली दिख सकती है। वोल्टास का अगर मैं यहाँ पर वन डे के और वन वीक के टाइम फ्रेम पर चार्ट देखता हूँ तो वो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, और जो ब्रेकआउट भी इधर आया है वो लाइफ टाइम हाई के लेवल पर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो वोल्टास का यहाँ पर प्राइस चलो 1320 रुपए, करंट मार्केट प्राइस पर इसको बाय कर सकते हैं। हमें 1280 या 1275 का स्टॉप लॉस लगाना है, जो करीब करीब यहाँ से 40 से 45 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में हम इसको टारगेट रखेंगे 1400 से और 1420 के। तो 100 रुपए के टारगेट से और करीब करीब 30 से 40 रुपए के स्टॉप लॉस है इसमें वोल्टास। ये करीब करीब 1 महीने, एक सॉरी 15 से 20 दिन का, 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन, मतलब 1 महीने का ये नजरिया है वोल्टास में। ठीक है, तो ये रहा वोल्टास में, थोड़ा सा लंबा नजरिया है, बाकी स्टॉक्स में जहाँ 1 से 2 दिन के बात हो रही थी टाइम फ्रेम की, यहाँ 1 महीने से 2 महीने की बात है, क्योंकि सीजन की बात हो रही है ये एसीज, और उसमें बहुत एक अच्छा बड़ा नाम है वोल्टास का, और उसका कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक्सपेक्टेड है इस बार, जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि गर्मी ज्यादा रहेगी, और वो जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें समझ लीजिए, या अदरवाइज भी इंडिया के अंदर में बहुत सारे जो बड़े शहरों में जो डेटा आ रहा है वो ये कह रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि ज्यादा टेम्परेचर हाई भी रहेगा प्लस लंबा रहेगा, यानी लंबे समय तक गर्मी एक्सटेंड हो जाएगी, तो वो जो जल्दी
जुलाई अगस्त सितंबर से और कब बारिश शुरू होती है मानसून और उसके बाद एसी की रिक्वायरमेंट कम होने लगती है, इस बार शायद वो नहीं होने वाला है और वो सारी चीजों के चलते कहीं एक्सपेक्टेड है कि एक बड़ा बूम मिलेगा। प्लस ओपनिंग अप की स्टोरी भी है तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नई चीजें खुल रही, नए ऑफिस, नए दुकानें, नई कंपनी, तो वो सारा कुछ उसका फायदा मिल सकता है। ठीक है,